आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर वन का सिलेबस। तो जीएस पेपर वन जो है वो 200 मार्क्स का होता है और इसमें जो है कट ऑफ आती है, और जो सी सैट होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, सेकंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, थर्ड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फोर्थ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा, फिफ्थ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, एंड सेवेंथ जनरल साइंस। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसको हम कवर कर सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, एंड सप्लीमेंट इट विद सम मैगज़ीन लाइक विजन आईएएस एंड वाजीराम रिसाइटल्स एक्सेट्रा, वॉट एवर इज़ सूटेबल फॉर यू। फिर सेकेंड हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री हम तमिलनाडु से कर सकते हैं या आरएस शर्मा से कर सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री हम लोग कर सकते हैं सतीश चंद्रा से, और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से। और इसके लिए मैं आपको एक बुक्सतवा करके एक चैनल है जिन्होंने काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी है स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिर हमारा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें दो पार्ट है। एंड तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए वो है फिज़िकल ज्योग्राफी। तो एक बार अगर आपका फिज़िकल ज्योग्राफी हो जाए तो उसके बाद आप करो इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, एंड फिर उसके बाद एक 12th क्लास की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी आता है, उसको भी आप करो। एंड आप इसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बट इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एंड आप PYQ देखोगे तो ट्रस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्ट्रेट पूछे गए हैं। सो डोंट मिस एनसीईआरटी। एंड अगर आपको कोई भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो गो थ्रू सुदर्शन सर्स लेक्चर, इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी, यू विल गेन अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देन हमारा आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। तो इसके लिए जैसा सभी लोग रिकमेंड करते हैं, आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक आप एनसीईआरटी भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। डोंट गो इन मच डिटेल बट गो थ्रू एनसीईआरटी। एंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुझे एनसीईआरटी लगती है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 11 की। सो चाहे आप कोई और पढ़े या ना पढ़े, बट डोंट मिस दैट बुक, दैट इज़ रियली गुड फॉर योर प्रेपरेशन फॉर प्रिलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस प्रेपरेशन। फिर उसके बाद हमारा आता है इंडियन एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। तो अब हमारे इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन के लिए हम सबसे पहले तो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ें, उसके बाद क्लास 12th की एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है तो वो आप पढ़ें, और उसमें से आप न्यूमेरिकल्स वगैरह वो सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप इसके साथ
या तो मृणाल सर की वो पढ़ सकते हैं हैंडबुक, नहीं तो आप श्रीराम आईएएस की भी पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। एंड आपको इकोनॉमिक्स में सप्लीमेंट ज़रूर करना है विद करंट अफेयर्स, क्यों एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन। तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है उसके आपको लास्ट 13, 14, 15, 16 ये 4 चैप्टर्स आपको करने हैं इसके लिए। फिर जब ये हो जाए तो आप शंकर आईएएस पढ़े या पीएमएफ आईएएस भी काफ़ी अच्छी है उसके लिए। एंड आप इसके लिए भी पीवाईक्यू ज़रूर रेफ़र करें, आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एंड आई ऑल्सो फील कि जो एनवायरनमेंट है उसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लग सकता है, सो कि वेन एवर यू गो फॉर एग्जामिनेशन गो विद अ कॉमन सेंस, एंड आपके कई क्वेश्चन कॉमन सेंस से बन सकते हैं। फिर हमारा आता है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के लिए भी काफ़ी लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स से हो जाता है, बट आई डोंट थिंक दैट इट सफाइस, सो आई सप्लीमेंटेड इट विथ अरिहान पर्ल्स बुक, सो इट वाज नोट्स काइंड ऑफ बुक एंड इट वाज रियली गुड फॉर जनरल साइंस, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट, सो इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड ऑल्सो गो थ्रू पीवाईक्यू। I am emphasizing more on PYQ. You will get a guiding light for your examination. Please don't miss your PYQ. Practice them daily and analyze them. Analyze the options. So, कभी कभी suppose इस year एक question आया है तो next year उस question, मतलब इस year जो question आया है उसमें से कोई option में से ही next year उसको एक question बना के दे देते हैं। So don't miss your PYQ. And have a thorough understanding of prelims and mains syllabus. So this is all. In next lecture, I will discuss mains syllabus for the examination. Thank you.